हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट हाउ व्हेन एंड वेयर का पार्ट थर्ड कवर करेंगे। तो इससे पहले मैंने पार्ट फर्स्ट और सेकंड इस चैप्टर की वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हो। सो लेट अस स्टार्ट दिस पार्ट। सर्वे बिकम इम्पोर्टेंट, तो कहता है कि सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग आल्सो बिकेम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो कहता है कि जो प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग थी, सर्वेक्षण करना जो था, कहता है कि कॉमन बन गया था कॉलोनियल पीरियड में। जी कहता है कि सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण हो गया था। द ब्रिटिश बिलीव्ड, तो जो ब्रिटिश लोग थे विश्वास करते थे, दैट ए कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नोन, तो कंट्री को अच्छे तरह जानना चाहिए बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेटिव। तो कहता है चलाने से पहले, मींस कि किसी देश को अच्छी तरह से चलाने से पहले, उसके ऊपर शासन करने से पहले उसको सही ढंग से जानना कहते हैं जरूरी था। मींस कि जरूरी होता है। बाय द अर्ली 19th century डिटेल्ड सर्वेज वर बींग कैरिड आउट टू मैप द इंटायर कंट्री। हाँ जी कहता है कि 19वीं सदी की शुरुआत तक जो पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए कहता है कि बड़े बड़े जो सर्वे किए जाने लगे। इन द विलेजेस रेवेन्यू सर्वे वाज कंडक्टेड। हाँ जी कहता है कि गांव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। हाँ जी द एफर्ट्स वाज टू नो द टोपोग्राफी द सॉयल क्वालिटी द फ्लोरा एंड फौना द लोकल हिस्ट्रीज एंड द क्रोपिंग पैटर्न ऑल द फैक्ट्स सीन एज नेसेसरी टू नो अबाउट द एडमिनिस्टर्स द रीजन्स। हाँ जी कहता है कि इन सर्वेक्षणों से जो धरती की सतह, टोपोग्राफी धरती की सतह, द सॉयल मिट्टी की क्वालिटी गुणवत्ता क्वालिटी हो गया, ठीक है, तो फ्लोरा हो गया हमारा पेड़ पौधे, और फौना हो गया हमारा जीव जंतु, द लोकल हिस्ट्रीज, तो वहां की लोकल हिस्ट्री जो स्थानीय इतिहास जिसको बोल देते हैं, एंड कहता है कि इसके अलावा फसलों का पता लगाया जाता था। हाँ जी, तो अंग्रेजों की राय में किसी भी इलाके का जो शासन चलाने के लिए कहता है कि इन सारी बातों को जानना जरूरी था। फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th century सेंसस ऑपरेशंस वर हेल्ड एवरी 10 years। सेंसस होता है जनगणना, ठीक है, तो कहता है कि 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। हाँ जी, दीज prepared detailed record of the numbers of people in all the provinces, इलाके होते हैं, of India, noting information on castes, religions and occupations। तो कहता है जनगणना के जरिए जो भारत के सभी जो इलाके थे उनमें रहने वाले जो लोगों की संख्या के बारे में, उनकी जाति के बारे में, इलाकों की व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठी की जाती थी। There was many other surveys, botanical survey, geological survey, archaeological survey, anthropological होता है मानव विज्ञान, anthropological survey, forest survey। कहता है कि इनके अलावा वनस्पति सर्वेक्षण, प्राणी सर्वेक्षण और प्रांतित्व सर्वेक्षण, मानव शास्त्री सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण और आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए गए। फिगर 5A, ठीक है, कस्टर्ड एप्पल प्लांट है, 1717 का दशक का है, ये देख सकते हो आप। तो कहता है कि बॉटनिकल गार्डन्स एंड नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम एस्टेब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश कलेक्ट प्लांट स्पेसिमेंस एंड इंफॉर्मेशन अबाउट देयर यूजेस। लोकल आर्टिस्ट वर आस्क्ड टू ड्रा पिक्चर्स ऑफ दीज स्पेसिमेंस। हिस्टोरियंस आर नाउ लुकिंग एट द
where such information was gathered and what this information reveals about the nature of colonialism. तो कहता है कि अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए वनस्पति जो उद्यान थे ना, और प्रकृति के इतिहास के जो संग्रहालयों में अलग अलग तरह के पौधों के नमूने लेके तो उनके संबंध में जानकारी इकट्ठा करते थे, ठीक है। तो म्यूजियम जो बनाए गए थे ना, उसमें नेचुरल हिस्टोरिकल म्यूजियम बनाए गए थे, स्थापित किए गए थे, तो वहां पे वो अलग अलग तरह के प्लांट्स लेके उनके संबंध में जानकारी इकट्ठा की जाती थी वहां पे। तो कहता है कि इन जो नमूनों के चित्र स्थापित स्थानीय कलाकारों को बुला के, तो जो लोकल आर्टिस्ट होते थे ना उनको बुला के, तो उनके जो पिक्चर भी बनाई जाती थी, पौधों के नमूने लेके उनकी पिक्चर भी बनाई जाती थी। तो कहता कि अब इतिहासकार इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि इस तरह की जो जानकारी किस तरह इकट्ठी की जाती थी और उसके उपनिवेश के बारे में क्या पता चलता था। तो अब इतिहासकार कहता है इसके ऊपर जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। तो कहता है कि उस समय उपनिवेशवाद के बारे में क्या पता चलता था इस तरह की जानकारी इकट्ठा करने से। हाँ जी, फिगर सिक्स में मैपिंग एंड सर्वेइंग ऑपरेशन इज प्रोग्रेस इन बंगाल, अ ड्राइंग बाय जेम्स प्रिंसेप 1832। तो कहता है कि बंगाल में मानचित्र और सर्वेक्षण कार्य चल रहा है, ठीक है, सर्वेक्षण का कार्य यहाँ पे चल रहा है। तो ये जेम्स प्रिंसेप द्वारा बनाई गई तस्वीर है जो 1832 में बनाई गई थी। हाँ जी, कहता है कि नोट हाउ द इंस्ट्रूमेंट्स दैट वर यूज्ड इन द सर्वे आर प्लेस्ड इन द फोरग्राउंड टू एम्फसाइज द साइंटिफिक नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट। तो कहता है कि ध्यान से देखे कि जो सर्वेक्षण में इस्तेमाल होने वाले सारे जो औजार है, जो टूल्स हैं, को चित्र में अलग अगले हिस्से में दिखाया गया है। तो ये वाले देखो, ये औजार दिखाए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चित्रकार इस परियोजना में तो वैज्ञानिक रूप पर खास तौर पे जोर देना चाहता था। तो जिसने ये पिक्चर बनाई हुई है जेम्स प्रिंसेप ने, तो वो वैज्ञानिक रूप पे इन सभी के ऊपर ध्यान देना चाहता है। यहाँ पे देखिए, ये पिक्चर है कि जो उन्होंने सर्वे के लिए जो इंस्ट्रूमेंट दिखाए हुए हैं। हाँ जी, आगे कहता है कि व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल्स। तो कहता है कि अधिकृत रिकॉर्ड में क्या पता नहीं चलता, इसमें जो ऑफिशियल रिकॉर्ड थे तो उसमें क्या पता नहीं चलता था। फ्रॉम दिस वास्ट कॉर्पस, तो कॉर्पस होता है कोश, ऑफ रिकॉर्ड्स वी कैन गेट टू नो आर लॉट, बट वी मस्ट रिमेम्बर दैट दीज आर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। तो कहता है कि रिकॉर्ड्स के इस विशाल जो भंडार में हम बहुत कुछ, हमें तो बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलता है, ठीक है, उनके बारे में पता लगा सकते हैं। कहता है फिर भी इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे सरकारी दस्तावेज हैं या सरकारी रिकॉर्ड्स हैं ये सारे। दे टेल अस व्हाट द ऑफिशियल थॉट्स। कहता है कि ये हमें, इनसे ही हमें ये पता चलता है कि जो सरकारी अफसर थे ना क्या सोचते थे, व्हाट दे वर इंटरेस्टेड इन एंड व्हाट दे विश टू प्रिजर्व फॉर पोस्टेरिटी। उनकी दिलचस्पी किन चीजों में थी, ठीक है, और बाद में किस बाद के लिए वे कौन सी चीजों को बचाना चाहते थे, ठीक है। तो पहले तो उनकी दिलचस्पी कौन सी चीजों में थी, तो और जो बाद में किन चीजों को बचाना चाहते थे। हाँ जी, दीज रिकॉर्ड्स डू नॉट ऑलवेज हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट अदर पीपल्स इन द कंट्री फेल्ट एंड व्हाट दे व्हाट ले बिहाइंड दीज एक्शंस। तो कहता है कि इन जो रिकॉर्ड्स थे, तो इनसे हमें ये समझ में तो समझने में हेल्प मिलती थी, मदद मिलती थी कि देश के जो दूसरे लोग क्या महसूस कर रहे हैं, क्या महसूस करते थे, ठीक है, और उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी। हाँ जी, कहता है कि फॉर फिगर सेवन द रेबल्स ऑफ 1857। तो इमेजेस नीड टू बी केयरफुली स्टडीड फॉर द प्रोजेक्ट द व्यू पॉइंट ऑफ दोज हु क्रिएटेड देम। तो कहता है कि तस्वीर को बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए, इनसे हमें चित्रकार की सोच का पता चलता है, जिसने इसको बनाया है उसकी सोच का पता चलता है। दिस इमेज कैन बी फाउंड इन सेवरल
illustration books produced by British after the 1857 rebellion. ठीक है, हाँ जी, कहता है कि 1857 के विद्रोह के बारे में अंग्रेजों द्वारा तैयार की ये पुस्तक है, जो बहुत सारी पुस्तकों में ये तस्वीर को हम कई जगह पे देख सकते हैं. तो आगे लिखता है कि द कैप्शन एट बॉटम से, तो कहता है कि तस्वीर के नीचे लिखा होता है मिटनेस स्पाइस शेयर द लूट इन ब्रिटिश रिप्रेजेंटेशन द रेबल्स पेयर एज ग्रेडी वैसियस एंड द ब्रूटल. यू विल रीड अबाउट द रिबेलियंस इन चैप्टर 5. तो कहता है कि बागी सिपाही लूट खसूट में लगे हुए हैं. तो अंग्रेजों की नजर में विद्रोही जनता जो थी ना, वो लालची थी और दुष्ट थी और बेरहम थी. इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय कहता है 5 में पढ़ोगे. हाँ जी, कहता है कि फॉर दैट वी नीड टू लुक एल्सवेयर, तो इन बातों को जानने के लिए कहता है कि हमें कहीं और देखना होगा. व्हेन वाज बिगिन टू सर्च फॉर दीज अदर रिसोर्सेज वी फाइंड देम इन प्लेंटी थ्रू दे आर मोर डिफिकल्ट टू गेट देन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स. हाँ जी, कहता है कि जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं ना, तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती. ठीक है, बहुत और भी स्रोत है जो हमें जानकारी देती हैं. तो जब हम ऐसे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कहता है कि कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनके मुकाबले उन्हें ढूंढना जरा क्या हो जाता है, मुश्किल साबित होता है. हाँ जी, वी हैव डायरीज ऑफ पीपल अकाउंट्स ऑफ पिलग्रामीज जो यात्रीज होते हैं एंड ट्रेवलर्स ऑटोबायोग्राफीज ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज एंड पॉपुलर बुकलेट्स दैट वर सोल्ड इन द लोकल बाजार. तो कहता है कि इसके लिहाजे से लोगों की डायरियां होगी, तीर्थ यात्री हो गए जो हो गए, और यात्रा के समर्थक महत्वपूर्ण लोगों के जो ट्रेवलर्स हो गए जो बाहर से यात्रा करने आते थे इंडिया में, तो ऑटोबायोग्राफीज होगी, तो लोगों की जीवन गाथाएं जिसको बोलते हैं, महत्वपूर्ण जीवन गाथाएं होती है. और जो कहता है कि जो लोकल जो स्थानिक जो बाजार में मिलने वाली जो बुक्स है, ठीक है, तो वो भी इनके बारे में जानकारी देती है. एज प्रिंटिंग स्प्रेड न्यूज़पेपर्स वर पब्लिश्ड एंड इश्यूज वर डिबेटेड इन पब्लिक. तो इसके अलावा कहता है कि जैसे जैसे जो छपाई की तकनीक, प्रिंटिंग की जो तकनीक फैली थी ना, तो अखबार छपने लगे और कहता कि अलग अलग मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी थी. तो पब्लिक डिबेट्स आ गया, तो बहस होने लग गई थी. लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स रोड टू स्प्रेड देयर आइडियाज, पोइट्स एंड नॉवलिस्ट्स रोड टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स. तो कहता है कि नेताओं और समाज सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा न्यूज़पेपर में. जो कवि और उपन्यासकार थे उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा, तो सभी ने लिखना शुरू कर दिया था. तो कहता है कि ऑल दी सोर्सेस हाउएवर वर प्रोड्यूस्ड बाय दोज हु वर लिटरेट. कहता है कि लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे थे जो पढ़ना लिखना जानते थे. तो ये जो सारे स्रोत हैं उन्होंने लिखे थे जो पढ़ना लिखना जानते थे. फ्रॉम दीज वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हु हाउ हिस्ट्री वाज एक्सपीरियंस्ड एंड लिव्ड बाय द ट्राइबल एंड द पीजेंट्स द वर्कर्स इन द माइंस और द पुअर ऑन द स्ट्रीट्स. हाँ जी, कहता है कि इनसे हम ये पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान जो खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले जो गरीब लोग थे किस तरह अनुभव करते थे. गेटिंग टू नो देयर लाइव्स इन द मोर डिफिकल्ट टास्क, तो उनकी जो लाइफ थी वो मोर डिफिकल्ट टास्क से गुजर रही थी, कामों से गुजर रही थी, मीन्स कि उनके जीवन में जाना बहुत मुश्किल हो जाता था. येट दिस कैन बी डन इफ वी मेक ए लिटल बिट ऑफ एफर्ट्स व्हेन यू रीड दिस बुक यू विल सी हाउ दिस कैन बी डन. हाँ जी, तो अगर हम थोड़ी सी और कोशिश करें
तो हम इस बात में भी जान सकते हैं कि जैसे जैसे आप इस किताब में आगे पढ़ेंगे आपको इस बात समझ में आने लगेगी। तो कहता है कि हम उनके बारे में भी जान सकते हैं, इसके लिए हमें थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे जैसे इस किताब के बारे में आगे पढ़ेंगे ना, तो आपको ये बात समझ में आने लग जाएगी। नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, तो कहता है कि इंसानों के खाने के लायक नहीं है। न्यूज़पेपर प्रोवाइड्स अकाउंट्स ऑफ द मूवमेंट्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्रीज। हियर इज ए रिपोर्ट ऑफ द पुलिस स्ट्राइक इन 1946। तो कहता है कि अखबार में देश के अलग अलग जो विभागों में से चल रहे आंदोलन का पता चलता है। तो यहाँ पे कहता है कि 1946 में हुई पुलिस की एक हड़ताल की खबर दी गई है। तो मोर देन 2000 पुलिसमैन इन दिल्ली रिफ्यूज टू टेक देयर फूड ऑन थर्सडे मॉर्निंग एज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट देयर लो सैलरीज एंड द बैड क्वालिटी ऑफ फूड सप्लाई टू देम फ्रॉम द पुलिस लाइंस किचन। तो कहता है कि दिल्ली में 200 से ज्यादा जो पुलिस वालों ने जो थर्सडे के दिन, ठीक है, बृहस्पतिवार जो सुबह में कम वेतन, और जो कहता है कि पुलिस लाइन में जो बावर्ची थे उनके द्वारा जो उनको घटिया किस्म का खाना दिया जाता था उसे खाने से इनकार कर दिया था। तो कहता है कि ऑल दीज न्यूज स्प्रेड टू द अदर पुलिस स्टेशन द मैन देयर आल्सो रिफ्यूज टू टेक फूड। वन ऑफ द स्ट्राइक सेड द फूड सप्लाइड टू अस फ्रॉम द पुलिस लाइन्स किचन इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। इवन कैटल वुड नॉट ईट द चपातीस एंड दाल्स विच वी हैव टू ईट। कहता है कि जैसे जैसे ये खबर दूसरे पुलिस स्टेशन या दूसरे थानों में पहुंचती तो वहां के जो पुलिस कर्मी होते हैं तो उन्होंने खाने से इनकार कर दिया। तो इस हड़ताल का हड़ताली का कहना था, तो एक हड़ताली थी जो हड़ताल करने वाला था उसका क्या कहना था कि जो पुलिस लाइन की रसोई में हमें जो खाना दिया जाता है ना, तो वह कोई इंसान नहीं खा सकता। तो वो कहता है कि हमें जो चपाती और दाल दी जाती है ना, तो उसे जानवर भी नहीं खाते हैं। तो ये रिपोर्ट है हिंदुस्तान टाइम 22 मार्च 1946 की। तो आगे एक्टिविटी आ गई आपकी, एक्टिविटी है लुक एट द सोर्स 1 एंड 2। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द नेचर ऑफ रिपोर्टिंग, एक्सप्लेन व्हाट यू ऑब्जर्व। कहता है कि स्रोतों 1 और 2 को देखो, क्या आपको इसमें कोई डिफरेंस लगता है। ठीक है, तो एक्सप्लेन करना है इसको, तो अगर डिफरेंस लगता है तो बताएं कि आपको क्या फर्क लगता है। हाँ जी, इसी के साथ जो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटी वाला बटन प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।